नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का फिर से एक बार और हमारे YouTube चैनल अवध ग्लो पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान ही रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी आया है 27 दिसंबर को, जिसमें कुल 60,244 पद निकले हुए हैं। आज के इस वीडियो का यही टॉपिक होने वाला है कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो ऑनलाइन फॉर्म आवेदन कैसे करें। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप लाइव करके भी बताऊंगा और शुरू से लेकर पेमेंट जमा करने तक मैं आपको सभी चीजों को बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा। बस आपको दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। अगर आप दोस्तों हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप के अंदर सरकारीresult.com को ओपन कर लेना है। आपको यहाँ पे नीचे आना है लेटेस्ट जॉब के अंदर। इसमें आपको दोस्तों यहाँ पे नीचे यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023, जिसमें लास्ट में आपको लास्ट डेट 16/1/2024 दिखा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पे इसके सभी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि नोटिफिकेशन रिलीज, इसका जो नोटिफिकेशन है कब रिलीज हुआ था। उसके बाद एप्लीकेशन बीन, ये कब से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे 27/12/2023 को स्टार्ट गया था, ये ऑनलाइन आ गया था। उसके बाद दोस्तों लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन, इसका लास्ट डेट कब है, 16/1/2024 को इसका लास्ट डेट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा होगा करेक्शन लास्ट डेट, इसका करेक्शन लास्ट डेट कब तक आएगा, तो यहाँ पे दोस्तों करेक्शन लास्ट डेट 18/1/2024 है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो एग्जाम डेट दिया होगा फरवरी 2024, अभी इसका डेट नहीं क्लियर है लेकिन बता दिया गया है कि फरवरी 2024 तक हो जाएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड दोस्तों आपको एग्जाम से पहले अवेलेबल हो जाएगा। इसके बगल में हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में जो दिया गया है, यहाँ पे जनरल ओबीसी 400, एससी/एसटी 400। अब दोस्तों यहाँ पे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल नोटिफिकेशन है, एज लिमिट जो दिया गया है यहाँ पे, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 25 साल फॉर मेल और मैक्सिमम एज 28 साल फीमेल, मतलब लड़कियों के लिए 28 साल और लड़कों के लिए 25 साल। अब दोस्तों यहाँ पे आएंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सम यूजफुल इंपॉर्टेंट लिंक पर आएंगे, लिंक्स पे आएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिख गया होगा अप्लाई ऑनलाइन, उसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपके सामने यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हमारा सबसे पहले व्यक्तिगत विवरण पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा होगा आवेदक का पहला नाम, तो यहाँ पे आपका जो भी पहला नाम होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अंतिम नाम, जैसे सपोज डेट आपका नाम है अजय कुमार सिंह, तो यहाँ पे दोस्तों आप पहले नेम में अजय कुमार लिखेंगे, उसके बाद अंतिम नेम में यहाँ पे सिंह लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरी कॉलम आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको पूरा नाम अजय कुमार सिंह लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करके फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम भी है, यहाँ पे पिता का नाम से भर देंगे। के बाद में आता है माता का, यहाँ पे आप अपने माता का नाम भर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जिस पर यहाँ पे रेड स्टार बना होगा वो फिल करना बहुत ही जरूरी है, उसके बिना आपका फॉर्म अधूरा रहेगा। जिस पर जैसे यहाँ पे आधार नंबर के ऊपर स्टार नहीं बना है, तो आप अगर चाहें तो आधार नंबर दीजिए, अगर नहीं आपका मन है तो ना दीजिए। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका जो भी हो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर की पुष्टि करें, यहाँ पे आप अपना दोबारा से मोबाइल नंबर कंफर्म करवाएंगे। अब यहाँ पे आधार नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो दीजिए, वरना मत दीजिए, यहाँ कोई कंपलसरी नहीं है कि आप अपना आधार नंबर दे ही दीजिए। इसके बाद ईमेल आईडी आपको देना है दोस्तों, आपका जो भी ईमेल आईडी एक्टिव हो, फोन में लॉगिन हो, उसी को आप दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको दोबारा से ईमेल आईडी को कन्फर्म करना होगा। उसके बाद नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रीयता नेशनलिटी आपको यहाँ पे भरना है, आप इंडियन हो तो आप यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे भी दोस्तों यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपको इंडियन ही मिलेगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे अन्य सूचना अदर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपको सबसे पहला आपको मिल जाएगा क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यहाँ पे एस करिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। तो जैसे हम यहाँ के उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यहाँ पे एस करेंगे। उसके बाद आपके सामने जो दूसरा आएगा, क्या आप SC/ST OBC EWC DFE ESM और HG कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, और अगर आते हैं तो आप क्या इसका आप लाभ जो है प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप इसका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एस करिए, अगर नहीं प्राप्त करना चाहते हैं तो नो करिए। यही सीधा सीधा आप यही समझिए, अगर आप जनरल
कैटेगरी के नहीं है तो आप यहाँ पे एस कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने ओपन होके आ जाएगा जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले जो भी अधिकारी होंगे आप यहाँ पे उनको सिलेक्ट करेंगे। जिनका भी साइन आपके निवास प्रमाण पत्र पे होगा सिग्नेचर वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र का जो डेट है, किस डेट में वह इशू हुआ था, किस डेट में वह बना था, उसको आप अगर आप अपने निवास प्रमाण पत्र के नीचे देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि किस डेट का आपका इशू हुआ था। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, मूल निवास प्रमाण पत्र का जो सीरियल नंबर होगा आप यहाँ पे उसको डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट गृह जनपद आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब इसके नीचे आ गया दोस्तों श्रेणी कैटेगरी, यहाँ पे आप अपना किस कैटेगरी में आते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आप ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी सिलेक्ट करिए और जो भी आते हैं उसको आप सिलेक्ट करिए। उसके बाद नीचे आपको मिलेगा 16वां जो आपको मिलेगा यहाँ पे, क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, अगर आप हैं तो एस करिए, अगर नहीं है तो नो करिए। इसके बाद आता है क्या आप उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं, आपके पास कोई आवश्यक प्रमाण पत्र है, अगर आप कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के आप यहाँ पे एस करिए वरना नो करिए। उसके बाद आता है उसके नीचे क्या आपने होम गार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की है। तो यहाँ अगर दोस्तों आपने होम गार्ड की 3 साल की जो न्यूनतम सेवा अगर की है तो उसको आप एस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, क्या आप आर्मी में रह चुके हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हैं तो एस करिए वरना नो कर दीजिए। इसके बाद आता है शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे दोस्तों आपको जो आपका हाई स्कूल है किस बोर्ड से है उस बोर्ड को यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद उत्तीर्ण करने का महीना और वर्ष, किस महीने और किस वर्ष में आपने इसको उत्तीर्ण किया था, आपके सर्टिफिकेट पे आपका जो भी हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होगा जिस भी बोर्ड का उस बोर्ड पे आप पे लिखा होगा उस डेट को यहाँ पे भर दीजिए आप। उसके बाद परिणाम स्थिति, आप पास हुए थे फेल हुए थे उसको यहाँ पे आप भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उसका रोल नंबर मांगे, अनुक्रमांक नंबर, आपके जो भी हाई स्कूल का मार्कशीट है उस पे आपका अनुक्रमांक अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने हाई स्कूल के रोल नंबर यहाँ पे भर दीजिए। अंक पत्र क्रमांक या फिर सर्टिफिकेट, मार्कशीट सीरियल नंबर, आपके जो भी मार्कशीट है हाई स्कूल पे वहाँ पे राइट साइड में ऊपर आपका जो मार्कशीट सीरियल नंबर वहाँ पे दिया होता है आप वहाँ पे ध्यान इसको यहाँ पे भर दीजिए। उसके बाद उसी तरह से हमारा इंटरमीडिएट का जो भी 12th का जो बोर्ड है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ किस महीने और किस साल में उसको पास किया था उसको भरेंगे। उसके बाद आता है क्या आप पास हुए थे या फेल हुए थे, यहाँ पे परिणाम स्थिति आता है दोस्तों, यहाँ पे आप पास हुए थे तो पास भरिए, यहाँ तो फेल हुए थे तो फेल भरिए। वैसे भी फेल का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, अगर पास हुए तो तभी आप भर सकते हैं। उसके बाद आपका जो 12th का जो अनुक्रमांक है रोल नंबर है उसको यहाँ पे भरेंगे। फिर से जो 12th का आपका सीरियल नंबर होगा मार्कशीट सीरियल नंबर उसको यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद जो आपका ऑप्शन आता है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे आपको पूछ रहा है कि आपके पास क्या ओ लेवल का प्रमाण पत्र है, क्या आपने ओ लेवल किया है, अगर दोस्तों है तो आप यहाँ पे एस करिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे क्या आपने 2 साल के न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है, तो दोस्तों अगर आपने किया है तो एस करिए, अगर नहीं किया है तो नो कर दीजिए, सिंपल से। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपने आपके पास NCC का नेशनल कैडेट कोर का 20 सर्टिफिकेट है, तो अगर आपके पास हो तो एस करिए वरना ना कर दीजिए, नो कर दीजिए दोस्तों। अब यहाँ पे आपका एड्रेस पूछेगा, तो यहाँ पे पंक्ति नंबर 1 में जो आपका आपके आधार कार्ड के जो पीछे का जो एड्रेस होता है वहाँ पे आप इसको आधार कार्ड से आप देख करके अपना एड्रेस 1 एड्रेस 2 यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस 1 डालेंगे, उसके बाद दूसरी पंक्ति का एड्रेस डालेंगे, उसके बाद सिटी गाँव या फिर कस्बा जो भी आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप किस राज्य से आते हैं, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप अपने स्टेट डालेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, किस जिले से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे वो डालेंगे। उसके बाद पिन कोड डालेंगे, अपने जिला का जो भी पिन कोड है उसको आप यहाँ पे डालेंगे। अगर दोस्तों सेम आपका जो भी यहाँ पे है, अगर आप यहाँ पे दोस्तों इतना भरने के बाद आपका जो दूसरा एड्रेस है यहाँ पे सेम है तो आप इसमें टिक कर देंगे, अगर नहीं है तो आप इसमें दूसरा भी भर सकते हैं। यहाँ तक के सभी डाटा को सही फिल करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे आपने जो भी डाटा को फिल किया है वो प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखाएगा। अगर आपको यहाँ पे एडिट करना है, आपके रिकॉर्ड को एडिट करना है, तो आपको यहाँ पे एडिट पार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पे दोस्तों जो भी बॉक्स यहाँ पे दिए हुए हैं सब में टिक करने के बाद सभी के ऊपर टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा दिख रहा होगा आपको, आपके केस में कैप्चा अलग होगा, हमारे केस में यहाँ पे 7K8 है, तो मैं यहाँ पे अपना कैप्चा फिल कर लेता हूँ। कैप्चा को लिखने के बाद यहाँ पे हम सबमिट एंड नेक्स्ट OTP एक्टिवेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एड्रेस मांगेगा तो यहाँ पे नो थैंक्स कर देंगे। अब आपके मोबाइल फोन पे जो भी आपने मोबाइल फोन दिया होगा उसके ऊपर यहाँ पे, अब दोस्तों इतना करने के बाद अभी
आपका जो फॉर्म है अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये मत समझिएगा कि हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं कंप्लीट हुआ, अभी आपका रजिस्टर नंबर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है। आगे का क्रियाकलाप यहाँ पे हमारा एक्टिवेट थ्रू ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी ओटीपी मिला होगा उसके बाद ओटीपी डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चा कोड डालने के बाद एक्टिवेट कर देंगे। चलिए मैं आपको अपना सभी जो बायोडाटा है फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आगे वीडियो में आपको आता हूँ। तो ऑल राइट दोस्तों, यहाँ पे कैप्चा कोड डालने के बाद एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से आपका जो लॉगिन करने का प्रोसेस है वो आ जाएगा। यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद कैप्चा कोड। तो चलिए दोस्तों मैं अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड डाल के इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सब कुछ डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, पेमेंट का ऑप्शन आपका यहाँ पे आ गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पे नाउ करेंगे। अगर दोस्तों मान लीजिए बहुत सारे लोगों के केस में ऐसा होता है कि वो पेमेंट करने के बाद भी यहाँ पे पेमेंट पेंडिंग दिखाता है, तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि सर्वर थोड़ा सा इशू चलाओ, सर्वर स्लो चलाओ, तो ऐसा इसलिए होता है। बस दोस्तों आपको 2-4 दिन वेट करना है, आपका जो भी समस्या है वो रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको पेमेंट डिटेल में आपको यहाँ पे UPI, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और सब कुछ यहाँ पे आपका ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे कई सारे मेथड है आपको पेमेंट करने के लिए। तो दोस्तों को एक डेमो दे रहा था, अगर दोस्तों आपको पेमेंट करना होगा, आपको फॉर्म फिल करना होगा, तो आप यहाँ से पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों पेमेंट करने के बाद जो सबसे लास्ट ऑप्शन आएगा वो फोटो या फिर आपका सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो दोस्तों बस आपको यही ध्यान देना है कि आपका जो फोटो का साइज है वो 20KB से 50KB के बीच में होना चाहिए, और उसके बाद जो आपका सिग्नेचर का साइज है वो 5KB से लेकर के 20KB के बीच होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, इसी तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो और भी आने वाली है दोस्तों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है।